हेलो गाइस, माय नेम इज जगदीश शुक्ला एंड आई होप यू विल ऑल बी एंजॉयिंग अवर लेक्चर्स एंड दिस इज अवर फोर्थ लेक्चर ऑन सिमिलैरिटी। इन दिस लेक्चर विल सॉल्व सेकेंड थियोरम ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कॉन्वर्स मीन्स ये बीपीटी का उल्टा है, इसके लिए इसको कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मीन्स अपोजिट है, ये बीपीटी का उल्टा है। उल्टा है मीन्स जो प्रूव वाला पार्ट आपको गिवेन होगा और जो गिवेन है वो आपको प्रूव करना है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है एबीसी और एक लाइन है एल, वो इसको पी क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। तो बीपीटी में क्या गिवन होता था? बीपीटी में क्या गिवन होता था कि यहाँ पे आपका जो लाइन एल लाइन बीसी के पैरेलल है। तो यहाँ पे अपने को प्रूव क्या करना है, लाइन एल लाइन बी सी के पैरेलल है। वहाँ पे प्रूव क्या करना होता था अपने को, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ पे ये गिवन है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो वहाँ पे ये गिवन था बीपीटी में और ये प्रूव करना था। यहाँ पे उल्टा, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो ये कॉन्वर्स है बीपीटी का। तो इसको हम करेंगे कैसे? कोई भी थ्योरम्स को प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड जो हमने बीपीटी में किया था, बट इसको डायरेक्ट वे से करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम इनडायरेक्ट वे से करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, इनडायरेक्ट वे में क्या होगा, हम कुछ अजम्पशन लेंगे, फिर हमारा अजम्पशन रॉन्ग प्रूव होगा। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है मतलब जो ये क्वेश्चन बोल रहा है वो राइट होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। ये कई कई क्वेश्चंस में आपको आ सकता है कि अगर ये दिया है और आपको लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, अक्सर आता है ये कि कभी कभी आपको रेशियो देगा और बोलेगा कि ये इसके पैरेलल, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो ये कहाँ से है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज एक आपको ट्राइंगल दिया है ऐसा, सपोज इसका नाम x, y, z दिया है और ये आपका नाम है O और T है। आपको गिवन है XO अपॉन ओ वाई इक्वल्स टू एक्स टी अपॉन टी जेड, और आपको बोलेगा कि ये प्रूव करना है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो वहाँ पे कि ओ टी पैरेलल टू वाई जेड, कहाँ से आया, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्चुअली वो बीपीटी थ्योरम ही पूछ रहा है, बट वहाँ पे आपको और कोई रिलेशन भी दिया होगा तो आप शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे करने वाले कैसे करते हैं उसको। तो चलिए अभी देखते हैं ये होता कैसे है। तो अपने को दो चीज़ों में गैप ब्रिज करना है। तो इसमें क्या होगा, रेशियो गिवन है और आपको लाइन पैरेलल प्रूव करनी है। तो चलिए इसका थ्योरम क्या पढ़ता, क्या बोलता है पढ़ते हैं। इफ अ लाइन, कोई भी एक लाइन, चलिए साथ में ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल की बात कर रहा था, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी। क्या बोल रहा है देखो, इफ अ लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है, किसको, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अभी यहाँ पे ए बी और मैंने ए सी लिया, कोई भी दो साइड ले सकते हैं, बीपीटी में वैसे ही किया था, ए बी बी सी ले सकते हैं या फिर ए सी और बी सी ले सकते हैं, कोई भी टू साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब इसकी बात कर रहा है। अगर कोई लाइन दूसरी साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब ये गिवन है ना, इफ से स्टार्ट होता है वो गिवन वाला पार्ट होता है, देन अभी आपको प्रूव करना है क्या, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये आपको प्रूव करना है कि ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। तो गिवन क्या आपका, हमने लाइन ड्रॉ नहीं की, चलिए कर लेते हैं। सपोज ये लाइन है एल, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू है, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या गिवन है अपने को, रेशियो गिवन है ए पी अपॉन पी बी
इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी गिवन है ना, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और हम क्या लिख सकते हैं, लाइन एल ए बी को पी पे डिवाइड कर रही है और ए सी को क्यू पे डिवाइड कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन एल इंटरसेक्ट्स सेग ए बी एंड सेग ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जो दिख रहा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी प्रूव क्या करना है कि लाइन पैरेलल है, लाइन एल पैरेलल है लाइन या सेग बी सी के, सेग बी सी के। यहाँ पे डायरेक्टली प्रूव नहीं होगा तो अपने को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सपोज हम अज्यूम करते हैं, हमको प्रूव क्या करना है कि लाइन एल पैरेलल है बी सी के, तो हम अज्यूम करते हैं कि लाइन एल बी सी के पैरेलल नहीं है। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई और तो लाइन हो सकती है ना जो इसके पैरेलल है। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ की, पॉइंट पी से, और सपोज ये आर, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाली लाइन ना पी आर वो पैरेलल है बी सी के, दिख नहीं रही है बट आपको अज्यूम करना है, ठीक है, तभी तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग होगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ लाइन पी आर पैरेलल्स टू लाइन बी सी, लाइन या सेग कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो लाइन पी आर पैरेलल टू लाइन बी सी हमने ड्रॉ की। अभी प्रूफ करते हैं, प्रूव करते हैं। सॉरी प्रूफ ना प्रूफ, अभी ये देखिए लाइन पी आर पैरेलल है बी सी के, यहाँ पे लिख दो लाइन पी आर पैरेलल्स टू लाइन बी सी, ये तो हमने माना है ना, कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया, जस्ट हमने अभी पढ़ा बीपीटी में कि अगर लाइन पैरेलल है किसी भी ट्राइंगल का एक साइड, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो चलिए अप्लाई करते हैं। लाइन पी आर पैरेलल है बी सी के, देयरफोर अभी ध्यान से देखना, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए आर लेंगे हम, क्योंकि लाइन कौन सी, ये पैरेलल है ना, तो ये वाला नाम मत लेना गलती से, ए आर अपॉन आर सी, ए आर अपॉन आर सी, ये कहाँ से आया, आपको रीजंस लिखने हैं, ये आया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स, फुल फॉर्म यूज़ करने आपको, भले ही शॉर्ट में बोलो चलेगा बट एग्ज़ाम में फुल लिखो। इसको नंबर फर्स्ट दे दो, ये फर्स्ट आया अपना पार्ट, बट अपने को गिवन क्या है, ये गिवन है ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये कहाँ से आया, गिवन है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिखा, कुछ नहीं है। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, वन को इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी सेम है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा तो आपका राइट हैंड साइड भी सेम ही होगा, तो फ्रॉम वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड लिख दो, ए आर अपॉन आर सी, ए आर अपॉन आर सी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अभी यहाँ पे हमने नाइन्थ में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रेशियोज़ की, तो यहाँ पे मैं कॉम्पोनेंडो यूज़ कर रहा हूँ, या तो फिर आप दोनों साइड पे वन ऐड कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे वन प्लस करके भी कर सकते हैं या कॉम्पोनेंडो से कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो, अब ये कॉम्पोनेंडो क्या होता है जिनको नहीं पता है वो देखो यहाँ पे, आपको जो डिनोमिनेटर है ना उसको न्यूमरेटर में ऐड करना है। कैसे देखो, ए आर प्लस आर सी अपॉन आर सी, सेम उधर भी करना है आपको, ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी। कॉम्पोनेंटो क्या होता है एक्चुअली, ए बी अप इक्वल ए बी अपॉन ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो कॉम्पोनेंटो में क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन बी और सी प्लस डी अपॉन डी, नीचे वाले को ऊपर लेके जाके प्लस करना है सिंपली। तो ये होता है कॉम्पोनेंटो। तो वही किया मैंने, आर सी को ऊपर लेके प्लस कर दिया, यहाँ पे क्यू सी को ऊपर लेके प्लस कर दिया। अब ये प्लस क्यों किया वो आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। अभी देखो ये लाइन को ध्यान से, ए आर और आर सी को जोड़ोगे, ए आर और आर सी ये वाला देखो, ए आर प्लस आर सी, ए आर प्लस आर सी, तो आपका ए सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ए सी अपॉन आर सी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ए क्यू और क्यू सी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए सी मिल जाएगा, ए सी अपॉन क्यू सी। अभी ये कहाँ से आया आपका, ये सब कोलिनियर्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। हमने नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर में देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स करके था, तो जो कोलिनियर पॉइंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से कोलिनियर है, ए आर सी, तो इसको लिखते कैसे, ए आर सी, इसका मतलब तीनों पॉइंट के कोलिनियर है, कोलिनियर है तो हम ऐड कर सकते हैं और लेस भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, ए क्यू सी, इसके लिए ए क्यू सी है, तो आपको ये सब लिखना है, इम्पॉर्टेंट है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स लूज होगा। अभी देखोगे ए सी, इधर भी ए सी है, तो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑल्टरनेंडो, तो यहाँ पे हम इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर लेके आते हैं। कैसे कर रहे हैं बाय ऑल्टरनेंडो, क्यू सी को यहाँ पे लेके जाओ, ए सी को यहाँ पे लेके जाओ, तो क्यू सी अपॉन आर सी ए सी, ये ए सी नीचे आ गया, तो ए सी ए सी कैंसिल हो गया, तो क्यू सी अपॉन आर सी इक्वल्स टू वन अपॉन वन, आर सी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू सी अपॉन आर सी मल्टीप्लाई कर देते उसको, वन इंटू एनीथिंग सेम ही आएगा ना, आर सी इंटू वन तो आर सी बचा। अभी क्यू सी और आर सी इक्वल है, ये कहाँ से आया, ये मेरे जम्पशन से आया, कंस्ट्रक्शन किया ना मतलब मैंने अज्यूम किया था, तो उसकी वजह से क्यू सी और आर सी इक्वल है। बट फिगर को देखो आप, आर सी ये रहा इतना बड़ा है और क्यू सी इतना बड़ा है, ये इसके बराबर है मेरा जम्पशन के हिसाब से, क्या ये आर सी और ये क्यू सी ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर कैसे हो सकता है, एक्चुअली आर सी तो बड़ा है बट आर सी इज ग्रेटर देन क्यू सी ना। देखो रियल में तो आर सी बड़ा है बट हमारे अजम्पशन में क्या आ रहा है कि वो इक्वल है, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख दो क्यू सी इज लेस देन आर सी, ठीक है, बट क्यू सी छोटा है आर सी से, देयरफोर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। या फिर इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिखना है आप तो ऐसा लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, कि हमारा अजम्पशन और इसके जो गिवन पार्ट है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मैच नहीं हो रही दोनों की बातें, हम जो बोल रहे हैं और वो लोग बोल रहे हो, मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें, मतलब हमारा अजम्पशन क्या है रॉन्ग है। तो अब ये रॉन्ग है तो ये राइट कब होगा, क्यू सी और आर सी इक्वल कब होगा, जब ये दोनों पॉइंट ना सेम होंगे तब इक्वल होगा, क्यू सी विल बी इक्वल टू आर सी ओनली वैन पॉइंट क्यू एंड आर को इंसाइड ईच अदर, मतलब वो एक ही पॉइंट है, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तभी कोइंसिडेंट, मतलब वो दोनों एक ही सेम पॉइंट है, सेम भी लिख सकते हैं आप कि ये दोनों सेम पॉइंट है,
तो ये कब होगा दोनों इक्वल, जब क्या होगा ये दोनों लाइन क्या होगी कोइंसाइड। देयरफोर लाइन हमारी कौन सी थी पी आर एंड लाइन एल कोइंसाइड ईच अदर। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक ही है, अगर ये दोनों पॉइंट सेम है मतलब पी आर और पी क्यू एक ही लाइन है, कुछ दोनों में डिफरेंस नहीं है। देयरफोर लाइन पी क्यू पैरेलल्स टू लाइन बी सी। थोड़ा आपको यहाँ पे दिक्कत आ रहा होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अभी गिवन में क्या है कि ये रेशियो दिया बस, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अभी अपने को प्रूव करना है कि ये जो लाइन एल है ना वो बी सी के पैरेलल है। हम लोग मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर इसको हमने मान लिया कि ये पैरेलल है तो प्रूव क्या करेंगे फिर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इनडायरेक्ट प्रूव। तो हम लोग मानते हैं कि लाइन एल पैरेलल नहीं है, तो कोई दूसरी लाइन होगी, कौन सी लाइन पी आर है सपोज, तो पी आर पैरेलल टू बी सी है। अभी जब भी लाइन पैरेलल होती है बी पी टी की वो याद करने का, बी पी टी क्या बोलता है कि साइड्स प्रोपोर्शन में होगी ना, तो ए पी अपॉन पी बी और यहाँ पे ए आर अपॉन आर सी, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो गिवन के हिसाब से अगर इन दोनों को मैच करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी कि इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया तो राइट हैंड साइड भी सेम हो गया। फिर मैंने यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ किया, इसको ऊपर लेके प्लस कर दिया तो ए सी ए सी आ गया दोनों में, फिर ए सी को इधर भेज के कट हो गया तो अपना क्या आ गया इसका रेशियो वन आ गया, मतलब ये दोनों क्या इक्वल हो गए। बट इन रियलिटी वो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब ये दोनों इक्वल कब होगा, जब आर और क्यू पॉइंट सेम होगा। आर और क्यू पॉइंट सेम होगा तो ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होगी, मतलब एक तो पी से जा रही है और ये यहाँ पे ये दोनों सेम ही पॉइंट हैं, मतलब लाइन आर और लाइन पी क्यू, मतलब ये पी आर और पी क्यू की लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर से जा रही है, को इनसाइड कर रही है, तो इसकी वजह से ये दोनों लाइन क्या है सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, मतलब ये एक पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे क्या करते हैं हम एक खुद का अजम्पशन लेते हैं, वो अजम्पशन रॉन्ग होता है, तो इसकी वजह से जो वो बोल रहा है वो सही होगा। हमने नाइन्थ में एक रूट टू का भी देखा था अजम्पशन अलजेब्रा में, आपको याद होगा, तो उसमें भी इनडायरेक्ट प्रूफ यूज़ करते कि हम लोग सोचते कि रूट टू इरेशनल नंबर नहीं है, फिर हमारा अजम्पशन रॉन्ग होता है और रूट टू इरेशनल नंबर होता है। सेम यहाँ पे भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लाइन एल पैरेलल नहीं है, तो कोई दूसरी लाइन होगी ये पी आर, तो लेकिन पी आर बाद में निकलती नहीं है, तो इसका मतलब जो वो बोल रहा है वो सही है। तो आई होप आपको ये समझा होगा, बुक में ये सोल्यूशन ही दिया है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।